अमृतसर के पोश एरिया रणजीत एवेन्यू के नामी होटल में काम कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड की शक्की हालात में मौत हो जाने का समाचार सामने आया है। होटल के प्रबंधकों के दसन अनुसार सिक्योरिटी गार्ड सतबीर सिंह की मौत लिफ्ट में फंस जाने नाल हुई है, पर इसके उल्ट मृतक के परिवार वाले ने होटल के प्रबंधकों से ही सवाल चुके हैं और उन्होंने ही नौजवान की हुई मौत का जिम्मेवार ठहराया है। पुलिस के उच्च अधिकारी सरबजीत सिंह ने पत्रकारों की टीम को दसिया कि नौजवान की मौत के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया गया उसनों बख्शा नहीं जाएगा। उधर दूजे पासे मौके पर पहुंचे मृतक के परिवारक मैंबर ने इस मौत से सवाल चुकते हुए कहा कि मृतक सतबीर सिंह की तीन जगह तो लत टुटी है और उसके मुँह विचों खून भी निकलिया होया है। उन्होंने अनुसार उसकी मौत लिफ्ट विच फस जाण कारण नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मृतक की मौत तो बाद किसी ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया। उन्होंने प्रशासन तो इंसाफ की मांग की है। इस होटल से बच्चा साडा नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड की, 5000 रुपया उन्होंने तनखाह देंदे, 12 घंटे ड्यूटी लेंदे ही। वह मर गया कहिंदे लिफ्ट च आके, जिहड़ा बंदा लिफ्ट च आके मरिया उहदी तीन जगह तो लत टुट जूगी, उहदे मूँह थानी ब्लड आऊगा। वह कितना मरिया वह बाहर एक्सीडेंट इना को होया, इना दी कोई घटना उन्होंने एह जी जगह पर काम करा कोई कराउंडे ही उहदे विच इना को मरिया बच्चा। इन्हें सानू सवेर का 7 बजे का ड्यूटी आया तो हूँ तो आगे 12-1 बजे दसिया माता कहता किया की है इतों इलाज चुक के हस्पताल छड़े NCV हॉस्पिटल छड़े थाने तक तलाह नहीं की। इन्होंने थाने तक भी यह बच्चा जरा एक्सीडेंट हो के मर गया ਜਾ ਕਿਤਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਫਿਸਿਆ ਆ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਲਹੂ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦੀ ਵੇ ਸੁੱਟਤਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।